31 जुलाई 2024 की रात करीब 2 बजे ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी सेना के एक वीवीआईपी गेस्ट हाउस में धमाके की वजह से हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की मौत हो गई थी। और इस हमले के बाद से ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने इसराइल से कह दिया है कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान इसराइल से किस तरह का बदला लेगा और वो इसराइल पर कब अटैक करेगा। तो आपको बता दें कि इसको लेकर इजरायली मीडिया ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इजरायली मीडिया का कहना है कि 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास के परिसर पर एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसमें आईआरजीसी के कुछ फोर्स के मुखिया मोहम्मद रेजा जाहेदी की मौत हो गई थी। और इसके बाद ईरान ने इसराइल पर 13 अप्रैल 2024 को करीब 350 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन फायर किए थे। लेकिन अब हानिया की मौत का बदला लेने के लिए ईरान अब बिल्कुल हटकर हमला कर सकता है। इजरायली न्यूज एजेंसी मैकन को इजरायली सूत्रों ने बताया कि ईरान इजरायल के सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल और विस्फोटक ड्रोन से हमला कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में या फिर इसी हफ्ते के अंत में ईरान हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी इस पर बयान आ गया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इसराइल हर हालातों के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल पर मंडराते इस बड़े खतरे को देखते हुए अमेरिका एक बार फिर से उसकी ढाल बनकर सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान इसराइल के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। दरअसल इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की है, जिसमें बाइडेन ने नेतन्याहू से फिर कहा है कि वो इसराइल को ईरान से हर खतरे से बचाएंगे। यहां तक कि दोनों नेताओं के बीच ईरान से संभावित बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए नई अमेरिकी सैन्य तैनाती पर भी बातचीत हुई है। हालांकि बाइडेन ने ये भी कहा है कि इस्माइल हानिया की मौत से संघर्ष विराम की बातचीत में कोई मदद नहीं मिलने वाली। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब इसराइल ईरान के संभावित हमले को रोकने के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को अंतिम रूप दे रहा है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 2024 को जब ईरान ने इसराइल के ऊपर हूती हिजबुल्ला के साथ मिलकर हमला किया था, उस वक्त भी अमेरिका इसराइल की ढाल बनकर खड़ा हुआ था। ईरान ने इसराइल के ऊपर करीब 350 से ज्यादा रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं, जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने हवा में ही मार गिराया था।